गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 8 की हिंदी पाठ 10, कल मीराबाई का भक्ति पद पढ़ाई थी, आज रस खान के भक्ति पद पढ़ाने जा रही हूँ। जो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। बैन वही उनको गुन गाई और कान वही उन बैन सुसानी, हाथ वही उन गात सरे रूपाई वही जो वही अनुजानी। बैन वही उनको गुन गाई, रस खान जी कहते हैं बैन माने बाणी, बाणी वही है जो प्रभु का गुणगान करती रहे, और कान वही उन बैन सुसानी और वही हो जो बस मेरे प्रभु श्री कृष्ण की बाणी को सुनते हों, और बस वही हो जो मेरे कान वही हो जो बस भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनते हों, हाथ वही उन गात सरय और उपाई वही जो वही अनुजानी। हाथ वही है जो प्रभु श्री कृष्ण की सेवा करता रहे, पाई वही जो वही अनुजानी, पैर वही है जो प्रभु का अनुसरण करते हो, जान वही उन प्राण के संग, जान वही है जिसमें प्रभु के प्राण बसते हैं, मान वही जो करे मनमानी और मान वही है जो प्रभु के लिए सारे संसार का त्याग कर सके, त्यो रस खानी वही रस खानी जो है रस खानी सो है रस खानी। उसी प्रकार रस की खान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, रस खानी सो है रस खानी, वे आनंद की खान हैं, उनसे नाता जोड़ने में सुख ही सुख है। दूसरा देखिए, या लकुटी अरु का मरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारो। रस खान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर कहते हैं कि वे ग्वाले जो कृष्ण के साथ रहते थे उनकी लाठी व कंबल के लिए, उनकी लाठी कामरिया लकुटी यानी लाठी कामरिया कंबल के लिए राज तिहूं पुर को तज डारो। तीनों लोगों का राजा राज भी त्यागना पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। आठव सिद्धि नहू निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। और यदि नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए तो इसके लिए वे आठों सिद्धि व नव निधि के सुख को भी त्याग देंगे। रस खानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रस खान कभी कहते हैं कि वे अपनी आँखों से ब्रज के बन उपोंता तालाबों को निहारना चाहते हैं। कौटिक कौटिक हव कल धातु के धाम करी लेके कुंजन ऊपर वारो। और तो और ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी वे सोने के सैकड़ों महल नछावर करने को तैयार हैं। तो बच्चों, रस खान के दो भक्ति पद थे वो आपका ख़त्म हो गया। इसका अर्थ लिख कर देंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा और वीडियो में देख लीजिएगा। धन्यवाद।